प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, रीत जगत से न्यारे, रीत जगत से न्यारे, संत परम संत परमाहितकारी। त्रिगुणातीत तिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत तिरत तन त्यागी, प्रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सौगत, ब्रह्मानंद संतन की सौगत, मिलत है प्रगट मुरारे, मिलत है प्रगट मुरारे, संत परम सानिध्य का लाभ क्या होता है? वो ये होता है कि उनकी सोहबत से प्रगट भगवान मिल जाते हैं, हाँ? क्या मिल जाते हैं? भगवान मिल जाते हैं। भगवान के मिलने से क्या होगा? मम दर्शन फल पर अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूप। जीव को अपना स्वरूप मिल जाता है। हम भूल चुके हैं अपने आप को। भगवान के मिलने से हम अपने आप को भी पहचान लेंगे, भगवान को भी पहचान लेंगे। कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव, कौन जगावे सुरति को, और कौन मिलावे पी। फिर क्या? नाम जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरति को, और सुरत मिलावे पी। कौन ऐसा है जो ब्रह्म को जगाता है, और जीव को कौन जगाता है? सुरत मतलब क्या होता है? जब बहुत इंटीमेसी हो जाती है, जब हम कहते हैं रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का समान हो गए, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। तो सुरत मतलब ऐसा घनिष्ठतम संबंध, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप। तो जब कौन जगावे ब्रह्म को, और कौन जगावे जीव, कौन जगावे सुरति को, और कौन मिलावे पी। तो एक है ब्रह्म को जगाता है नाम, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म रस भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म रस भोगी,
अब कैसे छूटे लागी, अब कैसे छूटे नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भगत शिरोमणि भय प्रह्लादु भगत शिरोमणि भय प्रह्लादु। नाम जपते जपते भक्तराज प्रह्लाद अग्रगण्य हो गए। नारद जानहि नाम प्रतापु नारद नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु जग प्रिय हरि ये सब नाम जप का प्रसाद है। जग को हरि प्रिय और हरि और हर शिवजी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय देवर्षि नारद जी हैं। तो नाम जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव। जब ब्रह्म जाग जाएंगे तो जीव को उसका सहज स्वरूप बता देंगे और फिर जीव पता है वो मिलना चाहेगा अपने परम प्रियतम प्रभु से। वो मिलेगा तो बड़े जो समंदर नदियों से मिलता है ठाठ मार के जो समंदर नदियों से मिलता है ठाठ मार के ऐसे ही हमने समाते ये भी तन मन पार के जो भी बन जिनके लिए शिव दारे वैराग वो माधव की हम सब जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव और जीव जगावे सुरति को और सुरति मिलावे पीव फिर वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहता फिर वो प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। तो वो बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छा है। भगवान के मिलने का लाभ ये होगा सहज स्वरूप मिल जाएगा। तो ये पूरक है हाँ सही। तो रोज महापुरुषों के और दर्शन का लाभ आप लोग सुनते ही हो। अनगिनत महापुरुष हुए हैं अनगिनत गाथाएं हैं महापुरुषों की। अगर महापुरुष के प्रत्यक्ष वपू से भेंट ना हो पाए तो फिर उनका साहित्य पढ़ना चाहिए। न सही तो उनकी भजन स्थली वृंदावन जाओ ना। ये दौड़ दौड़ नहीं मचाया करना कि चलिए उधर चलें उधर चलें ये रह गया। लोग कहते प्रेम मंदिर रह गया वही प्रेम मंदिर चलो 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 अब जल्दी चलो वहाँ पे चलो टेढ़े खंभे वाले मंदिर चलो चलो उस मंदिर में चलो चलो वैष्णो देवी मंदिर भी वहाँ पे है वहाँ पे भी चल लो हैं। सब जगह दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे
नए लोगों को ऐसे दिखाना होता है। बाकी एक कविता है, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हमको कोटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिको के सदा और पीने को जमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी से राधिका रानी, अपनी ठकुरानी से राधिका रानी। तो एक जगह बैठ जाओ ब्रज में ही, एक स्थान पे एक मंदिर चले जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो। क्या करते हैं, महापुरुषों की भजन स्थलियों पे जरूर जाओ, ब्रज चले जाओ। सनातन गोस्वामी जी ने यहाँ भजन किया था, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने यहाँ किया था, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने यहाँ भजन किया था। भजन करने की जो स्थलियां हैं वहां जा जाके देखना चाहिए, वहां की वाइब्रेशंस होती है। उस महात्मा की भजन स्थली पे जाना, उनकी पुस्तकों को देखना, उनके साहित्य को पढ़ना, भाई जी के वचनामृत को सुनना, बहुत बड़ी बात है। महापुरुषों को श्रवण करना, हाँ, महापुरुषों से इनडायरेक्टली जुड़ जाने वाले के भी लाभ होते हैं। एक घटना सुनाता हूँ वर्तमान की, जयपुर के एक घर में एक बूढ़ी मैया, उसका निधन हो गया माता जी का, 5 बेटे थे। तो मैया ने जीवन भर कभी हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ा, और तो छोड़ो भगवान का नाम लेने की, पूरी प्रपंच में थी। जब वो मरी, बच्चों को चिंता हुई, मैया गई कहाँ होगी, स्वर्ग में नरक में कहाँ गई होगी, जीवन भर में राम का नाम तो लिया नहीं, और बड़े प्रपंच थे बुढ़िया को। तो उन्होंने सोचा, घर के बालकों को सबको चिंता, उसी समय वो मैया पांचों के सपने में आ गई रात में, और कहने लगे ज़्यादा चिंता मत करो। बच्चों ने पूछा, भैया तुम कहाँ पे, तो बोले अरे मजे से बैकुंठ में बैठी हूँ, भगवान के धाम गई हूँ, और कहाँ हूँ बिल्कुल। तो बच्चों ने सपने में पूछा, भैया हम तो सब चिंता कर रहे, तुमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा और तुम बैकुंठ कैसे पहुँच गए। तो बड़ी सुंदर बात उस मैया ने कही कि मेरा पोता सेठ जयदयाल गोयनका जी के ऋषिकुल में पढ़ता था, इसलिए नाते से मेरा पोता लगा, तो उसकी दादी लगी, तो सेठ जी के संकल्प में आ गई, परिवार का एक बालक जुड़ा। तो हम तो हो गए तो सेठ जी के परिवार से जुड़े हुए लोगों के, तो और दादी तो गई उसी पोते की, इस नाते से भगवान ने बैकुंठ बुला लिया। जानते हो शरण जी की कीमत कितनी होगी। गंगा तट की एक सत्य घटना सब बताते हैं, केशवराम जी अग्रवाल जी, उन्होंने सुनाई थी, जाने गोरखपुर में या किस जगह ये हुआ, जब एक कौन गणमान्य सज्जन थे अपने सत्संगियों में, और जब उनको लेके जा रहे थे तो अंधेरा हो गया था, सूर्यास्त हो गया। लोगों ने मना किया कि सूर्य भगवान के साक्षी में अंतिम संस्कार होता है, तो अभी रहने दीजिए।
तो सेठ जी ने ये कहा कि अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, अभी तो देखो सूर्य भगवान है। जैसे सेठ जी ने ऐसे बोला उधर देखो, तो आकाश में सूर्य भगवान ने पुनश्च दर्शन दिए ताकि वो मुखाग्नि दे दें, फिर बाद में तो चिता जलती रही कोई बात नहीं। सेठ जी के सामर्थ्य की बहुत सबसे बड़े सामर्थ्य की बात तो ये थी कि जो भगवान को प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हो, असंख्य लोगों को भगवान से पूज्य सेठ जी ने जोड़ा, परम पूज्य भाई जी, परम पूज्य बाबा सरकार, तो महापुरुषों से मिलने का उनके संसर्ग का फल क्या? प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, रीत जगत से न्याय, रीत जगत से न्याय, भरम मिटावत भारी, परम हितकारी जगत में संत। तो संत बहुत हितकारी होते हैं, ब्रह्मानंद संतन की सोहबत मिलत है प्रगट मुरारी, भगवान इनकी सोहबत से मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण देव के पास स्वामी जी पहुंचे थे ना विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी अपने आप को बहुत रैशनलिस्ट मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध, ब्रह्म समाजी हो गए थे। तो केशव चंद्र सेन और पास बैठे थे विजय कृष्ण गोस्वामी जी, उस समय ब्रह्म समाजी थे, बाद में जटिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए विजय कृष्ण। तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण देव बैठे बैठे ऐसे बोलने लगे, जो केशव है इसमें मैं थोड़ी आध्यात्मिक चेतना देखता हूँ, विजय में क्रमशः बहुत ज्यादा देखता हूँ, इन्हें मैं आकाश के तारे के समान मानता हूँ, लेकिन ये जो नरेन बैठा है ना, ये तो सूर्य है आध्यात्म जगत का, ये बहस में बृहस्पति है, शास्त्रों के ज्ञान में वेद व्यास है, भक्ति में श्री नारद जी है। उन्होंने बोले इनके पास ज्ञान शिव जी का है, भगवान शिव का ज्ञान है, इसमें सौंदर्य कामदेव का है, ऐसे कह के उन्होंने उनकी प्रशंसा करनी प्रारंभ की। तो नरेंद्रनाथ नाराज हो गए, उन्होंने बोला आपको और वायु के कारण आपको थोड़ा दिमाग की समस्या है, अपने गुरुदेव को ही बोल दिया, मेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपको ये सब कुछ दिख रहा है, पर गुरुजी चेले से तभी तो गुरुजी गुरुजी होते हैं। उन्होंने बोला अरे जिस दिन तू अपने आप को पहचानेगा तो तू रहेगा नहीं। ऐसे देख रहे हैं एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने कटिंग कराई, एक बार शेव वेव करा के, तो हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा हो ऐसा ना, बड़े खूबसूरत थे। ये जितने फोटोज वगैरह आते हैं जो हैंडमेड, वो कोई भी अच्छी नहीं है, उस समय कैमराज भी अच्छे नहीं होते, विवेकानंद जी की आभा उस समय अलग ही हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करते थे। तो थोड़ा हेयर कट ऐसे करवा के जब पहुँचे तो उनका फैशन वाला स्टाइल देखा, इशारों इशारों कुछ मतलब, एक तरफ भगवान की खोज और एक तरफ इतनी स्टाइल है फैशन वाली, तो चेला भी इतना तेज। विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण देव का जो सिगार था ना वो विदेशी था, और तकिए गद्दे वद्दे थे ना सब अमेरिकन, किसी ने ला के दिए थे, भेंट किए थे, तो और उनको तो उनके सामान को ऐसे दिखाया, ये भी अपना भी देख लो, ठीक है मुझे मत दिखाओ, मुझे मत सिखाओ ज़्यादा। तो उन्होंने तब बोले ठाकुर रामकृष्ण देव, उन्होंने बोले नरेन
जिस दिन मेरे भजन का जो मैंने तपश्चर्या की है भगवान के लिए जो साधना की है उसका 16वां अंश भी तू कर लेगा ना, तो ऐसे ही अमेरिकन गद्दे और ऐसे तकिए वके सबको तुझे बिठाऊंगा। ठाकुर जा चुके थे अपना सर्वस्व देके और जब समय आया अमेरिका से विवेकानंद जी लौट के आए, विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, विक्टोरिया महारानी से लेके सब लोग उनसे मिलना चाहते थे, यूएस के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े यूरोपियन देश वाले उन महात्मा से सब मिलना चाहते थे। जब वो अपने देश लौट के आए तो भव्य स्वागत हुआ और जब स्वामी जी अपने कक्ष में पहुंचे तो उस कक्ष में बैठने वाले थे, थोड़ी देर उन्होंने अचानक एक चीज नोटिस की कि कमरे के गद्दे तकिए पर्दे सब अमेरिकन कपड़े की जो चादरें वदरें थी ना सब वो देखी उन्होंने, यूएस के वो देखते ही समझ गए। उन्होंने कहा किसने बिछाई, उन्होंने बोला आप आए हो पहले दूसरे बिछे थे पर एक डेढ़ मिनट पहले एक विदेश एक सज्जन वो गिफ्ट करके गए सारी चीज़ें और बड़ा रो रो के प्रार्थना की कि सारी चीज़ें मेरी वाली बिछाई जाए, मेरी वाली चीज़ें लगाई जाए। तो उन्होंने कहा ये उस व्यक्ति ने नहीं किया है, ये मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए किया कि नरेंद्र जब तू ऐसा इसका 16वां अंश भी तू कर लेगा तो मैं तुझे इन सब पे बिठाऊंगा। तो आज उन्होंने मुझे बिठाया है। तो महापुरुष जो नाता जोड़ते हैं एक बार का नहीं होता, बहुत गहरा बहुत लंबे समय तक का ये संबंध होता है, सदा का होता है। और बस समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से उनसे हमारा जो नाता है वो हमारे लिए सदा के लिए धन ही होता है। श्री लाडली लाल की जय।